नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि हमने पिछले तास में कौन सी इकाई सीखी थी? बहुत अच्छे, शाबाश। हमने पिछली इकाई एक में सीखा था चित्रपाठ, जिसका नाम क्या था? चित्र के संग संग। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही चित्र रखने वाली हूँ, ठीक है? तो आप मुझे उस चित्र में से अच्छे से देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ सही, आप बता रहे हैं कि आपको बादल दिखते हैं, उसमें से बारिश की बूंदें नज़र आ रही है, और हाँ बिल्कुल एक वृक्ष पर आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा है, वह मोर है। और आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ शायद बिजली कड़क रही है। और क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? कुछ बादल है, कुछ पक्षी है। आपने तो बहुत अच्छा निदर्शन किया इस चित्र का। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक ऐसे ही चित्र के बारे में कुछ काव्य बताने जा रही हूँ। इस चित्र में आपने जो जो देखा, आप अपने दिमाग में उसको ठीक से भरिए और मुझे बताइए कि आपने ऐसा चित्र कहाँ पर देखा है, या फिर आपने कौन सी ऋतु में ये चित्र और ये पक्षी ये सब आपने कैसे देखे हैं। तो चलिए बच्चों, हम प्रकृति के इन तत्वों के बारे में जानने के लिए एक ऐसी ही सुंदर कविता सुनेंगे। आप अपनी सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लेकर बैठे होंगे, ठीक है ना? तो चलिए सब बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और उसकी दूसरी इकाई जिसको हम आज सुनेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बिजली चम चम कर जाती है, जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब
देखा बच्चों, कितनी प्यारी कविता है, आपको सुनने में मज़ा आया होगा, है ना? अरे वाह, आपको पता है इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के कवि, नाट्यकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 4 मार्च को 1889 सुल्तानपुर जिले में कोइरीपुर गांव में हुआ था। ये गांव उत्तर प्रदेश में अभी है। आप जानते हैं बच्चे कि ये कवि बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास भी लिखा करते थे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साहित्य का जो श्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वह भी राम नरेश त्रिपाठी को मिला हुआ है। उन्होंने कई सारी काव्य कृतियाँ लिखी है। पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी उनकी श्रेष्ठ काव्य कृतियाँ मानी जाती है। स्वप्न के लिए उन्हें श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार दिया गया था। हमारे इस कवि का निधन हुआ 16 जनवरी 1992 को। अभी आपने कवि का परिचय तो कर लिया, अब हम इस कविता का पठन करेंगे। आप मेरे साथ साथ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को अपने साथ रखेंगे और जब मैं इस पंक्तियों का पठन करूंगी, आप मेरे साथ साथ इस पंक्तियों को दोहराएंगे और आप भी मेरे साथ साथ इसका पठन जरूर करेंगे। बच्चों देखिए, इस चित्र में आप ध्यान से देखना, इसमें क्या है, यह पहला अंतरा है आपके काव्य का। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों आपने सुबह में आपके आसपास का वातावरण देखा है, आपको क्या क्या दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल सही, प्रकृति का अनूठा रंग हमें सुबह को देखने मिलता है। आपने सुना होगा चिड़ियों की आवाज़ आपके आसपास गूंजती है, और क्या क्या देखते हो आप सुबह में? बिल्कुल सही, आप देखते हो कि छोटे छोटे फूल, आपके आसपास जो पौधे होते हैं उनमें छोटी छोटी कलियाँ मुस्काने लगती है। बच्चों आपको पता है कली का अर्थ क्या होता है? कली का अर्थ यह है कि फूल का खिलने के पहले का स्वरूप। आपने देखा होगा ना कि गुलाब का फूल है, मोगरा है, तो वह फूल जब खिलने से पहले अपने छोटे से रूप में होते हैं, जैसे फूल बंद होते हैं। हाँ आपने देखा है ना, बस इसी रूप को हम बोलते हैं कली। आपने अपने आसपास चिड़ियों की चहचहाट भी सुनी है। आप बोलते होंगे चहचहाट का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हम इंसान बोलते हैं तो उसे बोलना कहते हैं, तो वैसे पंछी भी अपनी भाषा में बोलते हैं तो उसे कहते हैं चहचहाट, मतलब शोर करना। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों इस कविता में कवि हमें कहना चाहते हैं कि जब बारिश की बूंदें कैसे आती है, छम छम करके आती है। आप बोलते हैं ना ये ऐसे कि टप टप करके आवाज़ आती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, छम छम करके आती है।
और बिजली कैसे कड़कती है? चम चम करके कड़कती है। आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर समान प्रास वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि छम छम, चम चम, है ना। वेरी गुड। यहाँ पर क्या है कि बूंदे कैसे आती है? छम छम करके आती है। और बिजली कैसे कड़कती है? चम चम करके कड़कती है। आप मुझे ये बताएंगे बच्चों कि बारिश होती है तब क्या क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, आपको तो बारिश में कागज़ की नाव बनाने का बहुत ही शौक रहा होगा। आप करते हैं ऐसा? जब आपके घर के आसपास पानी थोड़ा इकट्ठा होता है तो अब और क्या क्या होता है बारिश में? हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में भी हरियाली लहराने लगती है, सभी फसल तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे धरती माँ ने हरे रंग की एक नई साड़ी पहन ली हो, हमारे चारों ओर हरा हरा रंग हमें दिखने को मिलता है, तो प्रकृति में कितना सुंदर बदलाव आ जाता है। तो बारिश के मौसम में प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेती है। अब आपको नया शब्द मिला है यहाँ पर कि ढोना। बच्चों आपको पता है कि ढोना शब्द का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ढोना मतलब बोझ को उठाना। आपने देखा होगा ना कि कई प्राणी कई सारी लकड़ियाँ या फिर कुछ सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जो सामान उठाते हैं उसी को कहते हैं बोझ उठाना यानी ढोना। तो आपने यहाँ पर एक नया शब्द सुना है। आप आपकी हिंदी की कापी में यह नया शब्द अवश्य लिखेंगे। अब आपको इस कविता में एक नया शब्द दूसरा मिला है, सृजनहार। तो आप मुझे बताइए सृजनहार का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। जैसे आप रोज़ मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो हम अपने भगवान ईश्वर और अल्लाह को जैसे याद करते हैं, तो उन्हीं के लिए यह शब्द प्रयोजित हुआ है। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको सृजनहार की याद कब कब आती है? हाँ ठीक है, सृजनहार की याद आपको आपकी परीक्षा के समय में आती है। और हाँ सही बात है। तो बच्चों आपने इस सुंदर कविता में यह देखा कि ईश्वर का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता खूब पसंद आई होगी और आप अपने गृह कार्य में इस कविता के स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के सही उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।